हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि हम जानते हैं, क्रिप्टो को लेकर कभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है इंडिया में, और इंडिया ने बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी लॉ के एक टैक्स लगाया है जो कि 30% का है। इसी के साथ TDS लगाया है 1% का, यानी कि कोई लॉ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को हमारे पैसे से एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाहिए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनली यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि आपने अभी तक क्रिप्टो का कोई लॉ क्यों नहीं बनाया, और क्रिप्टो को देखने के लिए कोई एक्सपर्ट एजेंसी क्यों नहीं बनाई गई है। तो ये मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस तरीके से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या टैक्सेस को खत्म कर दिया जाएगा या फिर टैक्सेस फिर भी रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना चैनल पर, पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। और बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आखिर हुआ ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि आपके पास क्या कोई रिकॉर्ड है और क्या आपने कोई फेडरल एजेंसी सेटअप करी है जिससे इन्वेस्टिगेट किए जाएं ऐसे क्रिमिनल केसेस जिनमें क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सेंटर के पास अभी तक कोई भी लॉ नहीं है, डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपर्ट एजेंसी भी नहीं है जो इन क्रिमिनल एक्ट्स को, क्रिप्टो करेंसीज के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा और डीपली समझ पाए कि किस तरीके से ये सारे के सारे क्राइम किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी को लेकर अनपढ़ है, यानी कि उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी नहीं है, ब्लॉकचेन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उनकी सोच सिर्फ यहाँ तक है कि हमने UPI बनाया और UPI को सारी कंट्रीज को देना है, और UPI बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बनने वाला ब्लॉकचेन का। इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट को नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या है, क्योंकि ब्लॉकचेन टोटली अलग है और UPI जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि उसको गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है। यही कारण है कि नेशनल लेवल पे कोई भी एजेंसी नहीं है जो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाए क्रिप्टो करेंसीज को। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हमें एक नेशनल स्पेशलाइज्ड एजेंसी चाहिए जो कि पूरे नेशनल इंटरेस्ट को, क्रिप्टो करेंसी के इंटरेस्ट को हैंडल कर पाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि अगर आपका कोई पुलिस कांस्टेबल है, अगर उसको प्रमोट कर दिया जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे या फिर सब इंस्पेक्टर पे, लेकिन उसको ऐसे क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी केस समझ ही ना आए तो उसका क्या फ़ायदा। क्योंकि जब तक लॉ नहीं होगा, लॉ ना होने की वजह से कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको समझ ही नहीं आएगा, पुलिस को भी समझ नहीं आएगा कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि जो कई सारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको क्रिप्टो करेंसी के द्वारा कई सारे जो क्राइम्स किए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे घपले किए जा रहे हैं, उनसे गुजरना पड़ रहा है। और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी एजेंसी नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है इनको हैंडल करने के लिए, इन ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है गवर्नमेंट के पास। शायद टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट को या फिर हमारी एजेंसीज को पता ही नहीं है इनको कैसे ट्रैक करना है, जिस कारण जो क्रिमिनल्स हैं वो अपना पैसा कहीं से कहीं निकाल लेते हैं और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता। और माना जा रहा है कि पहले हवाला होता था, यानी कि सीधा कैश से जो पेमेंट्स करी जाती थी एक दूसरे को, अभी हवाले का रूप क्रिप्टो करेंसी ने ले लिया है। और क्रिप्टो करेंसी एक और भी बड़े तरीके का स्कैम बन चुका है, स्कैम तो नहीं लेकिन एक तरीके से बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है। इसीलिए हमेशा क्रिप्टो करेंसी को एक क्राइम के रूप में या फिर इलीगल के रूप में ही देखा जाता है हर एक व्यक्ति के द्वारा जिनको क्रिप्टो करेंसीज की या फिर ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यही बोला है कि आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के सामने आना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि अभी सेंटर के पास लॉ ही नहीं है क्रिप्टो करेंसीज को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ मेरा मानना ये है कि चाहे लॉ नहीं है, अगर ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लीगल नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको इलीगल भी ना बनाया जाए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज अगर लीगल नहीं है, इसका मतलब कभी भी नहीं है कि लीगल नहीं है तो ये इलीगल है। अगर इसको हमेशा इलीगल ही देखा जाएगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने सीधा सीधा टैक्स लगा दिया 30% का, ताकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसमें ट्रेड ही ना करे, इसमें प्रॉफिट ना निकाले। इसमें ट्रेड करेगा तो TDS 1% का लगेगा हर एक ट्रांजैक्शन पर। अगर आप बाय करना चाहते हो तब भी TDS 1% का, सेल करना चाह रहे हो तब भी 1% TDS, यानी कि हर एक आपके ट्रेड के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा पैसा कट जाएगा कि आपका कभी मन ही नहीं करेगा ट्रेड करने का। और इसी का सोल्यूशन शायद सभी ने ही निकाला है कि फॉरेन एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस के ऊपर मूव होना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को लीगल भी नहीं बनाया लेकिन लीगल ना होते हुए भी उसके ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और इस चीज़ को बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारी कंट्रीज ने गलत साबित किया है कि ये बिल्कुल ही गलत है। इंडिया में जो एनवायरनमेंट है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर वो बहुत ही गलत चल रहा है, और ये इसको सेट करना चाहिए, कम से कम टैक्सेस को कम करना चाहिए। क्योंकि जो लॉज हैं वो लॉज इतनी जल्दी नहीं बनेंगे, जो G20 की मीटिंग्स हो रही हैं इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ अच्छे लॉज आ जाएं, लेकिन इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में करीब 2-3 साल भी लग सकते हैं फाइनल लॉ बनने में, और उसमें अमेंडमेंट्स काफ़ी सारी होगी तब जाके एक फाइनल लॉ बनेगा।
लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे कि इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेगी क्रिप्टोकरेंसीज के ऊपर, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड हैं। हालांकि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन भी रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ही कोई भी क्रिप्टोकरेंसी के ऊपर ट्रेड करता है, ताकि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ना करे, इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगाए, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी टैक्सेस लगा दिए, ताकि एटलीस्ट गवर्नमेंट अपना एक हिस्सा अपना कमा पाए, चाहे हम ट्रेड करें या ना करें। तो आपका क्या मानना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है या गलत कहा है? अपनी राय भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूंगा। एंड आई होप कि आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा वॉफ्टेड ऑफिशियल, जहां आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।